राइट सर, जिशान आपसे सवाल है कि पाक बैरिया के ज़रिए तमाम हम देख रहे हैं कि रवा साल भी जो आठवीं कसीरुल कौमी मशकें हैं, अम मशकें, उनका इनेकाद किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस लिहाज से भी कि इसमें 50 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं, इनके जो हैं फोर्सेस के खसूसी मुबसरीन हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी इसमें। उस हवाले से उनका क्या कहना था, कितना खुशाइंद है, और समुद्रों से तजारत और गवादर से बंदरगाह से जो सी पैक और जितनी भी हमारी ये जोग्राफी लोकेशन है, इस हवाले से ये कितना अहम है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान नेवी की ये एक्सरसाइज अमन, जिसका लोगो है टुगेदर फॉर पीस, बहरा अरब में हर दो साल बाद मुनक्किद की जाती है। बेसिकली इस एक्सरसाइज के दो फेजेस होते हैं, और इसमें पहला फेज़ जो होता है वो लैंड फेज होता है, जिसमें डिफरेंट डिग्निटरीज के साथ मीटिंग्स, कॉल ऑन्स, ऑफिशियल सेमिनार्स होते हैं, और साथ ही साथ विज़िट कराया जाता है उनके जो इंटरनेशनल नेवीज़ के शिप आए हुए होते हैं उन पे, जिसमें हमें उनकी कस्टम्स और उनकी ट्रेनिंग रिजीम्स के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ इसका सी फेज़ मुनक्किद किया जाता है, जो कि प्राइमरीली एंटी पायरेसी और एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ में होता है। इसी के साथ साथ उसमें हम डिफरेंट टेक्टिकल मनूवर्स और ड्रिल्स, नेवी ड्रिल्स करते हैं, और इस साल भी, रवा साल भी फरवरी के महीने में ये एक्सरसाइज मुनक्किद की गई, जिसमें 50 से ज़ायद इंटरनेशनल नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और बेसिकली इस एक्सरसाइज का यही मकसद है कि बहरा अरब में अमन को फोकियत देना, और पाकिस्तान नेवी इसमें हमेशा बारहा आगे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।